हेलो फ्रेंड्स, मैं सतीश रंजन आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेरिएशन के बारे में। टाइप्स ऑफ वेरिएशन जो कि एसपीसी से रिलेटेड है, जो कि एसपीसी का एक पार्ट होता है। टाइप्स ऑफ वेरिएशन में दो तरह के वेरिएशन होते हैं जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, कॉमन कॉज वेरिएशन और स्पेशल कॉज वेरिएशन। इन दोनों में अंतर क्या है इसको भी हम लोग समझेंगे। दोस्तों, मैंने एसपीसी के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, जिनको एसपीसी नहीं आता वो इसको देख सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना, तभी समझ में आएगा कि किस तरीके से वेरिएशन को हम लोग कंट्रोल भी कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएशन के बारे में, जो दो तरह के वेरिएशन है वो क्या होते हैं, उनको समझते हैं फुल डिटेल्स के साथ। दोस्तों, किसी भी प्रोसेस में दो तरह के वेरिएशन होते हैं। पहला होता है कॉमन कॉज वेरिएशन और दूसरा है स्पेशल कॉज वेरिएशन। तो सबसे पहले हम लोग कॉमन कॉज वेरिएशन के बारे में बात करेंगे, उसको एग्जांपल के साथ समझते हैं हम लोग। दोस्तों, मान लो आप लोग मॉर्निंग में योगा करते हैं, डेली 30 मिनट योगा करते हैं, आप बहुत दिनों तक करते गए। कुछ दिनों बाद आप लोग महसूस करेंगे या देखेंगे कि ये जो हमारा 30 मिनट का टाइम है, किसी दिन 25 मिनट, किसी दिन 28 मिनट, किसी दिन 30 मिनट, किसी दिन 32 या किसी दिन 35 मिनट, इस तरीके से आपका एवरेज में होते जाएगा, मतलब किसी दिन कम किसी दिन ज़्यादा। तो इस हिसाब से क्या होता है कि किसी दिन आपने कम किया, किसी दिन 2 मिनट ज़्यादा किया, तो इससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपका जो रूटीन है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन इधर उधर होगा। तो जो इस तरीके का कंसिस्टेंट वेरिएशन है, जो कि 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक है, तो इस वेरिएशन को हम लोग बोलते हैं कॉमन कॉज वेरिएशन, जो कि किसी भी प्रोसेस में होता है। यह वेरिएशन किसी भी प्रोसेस में मौजूद रहता है। इस तरह के वेरिएशन को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। यह वेरिएशन प्रिडिक्टेबल और कंसिस्टेंट होता है। आप यह नहीं जानते कि कल जो हम योगा करेंगे उसमें कितना समय लगेगा, लेकिन आप यह जरूर जानते हैं कि समय 25 से 30 मिनट के बीच में ही लगेगा, जब तक सब कुछ सेम हो। तो जो ये वेरिएशन है इसको कॉमन कॉज वेरिएशन बोलते हैं। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं स्पेशल कॉज वेरिएशन के बारे में। स्पेशल कॉज वेरिएशन क्या होता है? तो दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने बताया कि कॉमन कॉज वेरिएशन में जो आपका डेली का योगा का शेड्यूल बन गया वो 25 मिनट से 35 मिनट के बीच में हो गया। अब मान लीजिए आप किसी दिन आपका योगा का टाइम 5 मिनट हो गया, या किसी दिन ये 1 घंटे तक चला गया, तो जब यह कंडीशन आती है तो ये स्पेशल कॉज वेरिएशन होता है, जो कि हमारे नॉर्मल प्रोसेस का वेरिएशन नहीं है। स्पेशल कॉज वेरिएशन प्रिडिक्टेबल नहीं होता है, यह नेचर में कभी कभी होता है। दोस्तों, प्रोसेस में वेरिएशन को जानना इसलिए जरूरी होता है कि जब आप लोग एक्शन लेंगे प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए, तो वह प्रोसेस में प्रेजेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशन के आधार पर होगा। यदि प्रोसेस में आपका स्पेशल कॉज वेरिएशन है, तो आपको उसका कारण को खोजना पड़ेगा, उसके कॉज को जानना पड़ेगा और उसे प्रोसेस से एलिमिनेट करना होगा। यदि संभव हो सके तो उसे परमानेंटली एलिमिनेट करने की कोशिश करें। यह आमतौर पर जो प्रोसेस के क्लोज रहते हैं ये उनकी जिम्मेवारी होती है, उनको ज़्यादा अच्छे से पता होता है कि क्या हुआ। यदि प्रोसेस में कॉमन कॉज प्रेजेंट है तो आपको फंडामेंटली प्रोसेस में कुछ चेंज करना पड़ेगा। फंडामेंटली मतलब मेजर चेंज की जरूरत है प्रोसेस से कॉमन कॉज को एलिमिनेट करने के लिए। इसके लिए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि मैनेजमेंट के गाइडलाइन में ही ये सारा कुछ होगा। दोस्तों, यह अनुमान लगाया गया है कि प्रोसेस में कंपनी द्वारा सामना की जाने वाली समस्या का 94% कॉमन कॉज वेरिएशन होता है, जबकि 6% स्पेशल कॉज वेरिएशन होता है, जिसमें कि यह पीपल से रिलेटेड भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। इसलिए यदि आप लोगों की समस्याओं का हमेशा दोष देते हैं तो आप 85% टाइम गलत होंगे। यह एक प्रोसेस है जिसको मोस्ट ऑफ द टाइम बदलने की जरूरत होती है, जिसमें मैनेजमेंट सिस्टम को सेटअप करके अलाउ करेगा कि आप प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं। इसमें मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं एग्जांपल्स के बारे में।
पहले हम लोग बात करेंगे कॉमन कॉज वेरिएशन के एग्जांपल के बारे में। तो जो पहला एग्जांपल है वो होता है लैक ऑफ क्लियरली डिफाइंड स्टैंडर्ड प्रोसीजर। जैसे आपने प्रोसीजर जो बनाया है उसको डिफाइन नहीं किया है ऑपरेटर से, तो ये एक तरह का वेरिएशन है कॉमन कॉज का। दूसरा है पुअर वर्किंग कंडीशन। तीसरा है मेजरमेंट एरर। चौथा है नॉर्मल वियर एंड टियर। अब हम लोग बात करते हैं स्पेशल कॉज वेरिएशन के एग्जांपल के बारे में। तो इसका एग्जांपल है मशीन मल्टी फंक्शनल, कंप्यूटर प्रोग्राम क्रैशेस, पावर कट। ये स्पेशल कॉज वेरिएशन के एग्जांपल है। दोस्तों ये था हमारा वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ वेरिएशन के बारे में समझाने की कोशिश की है। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी ऐसे ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।